रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमोन पत्रस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमोन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने दो स्वर्ग दूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था, संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं।